क्लास 11। आज मैं एक नई पोयम स्टार्ट करा रहा हूँ, द वॉइस ऑफ द रेन। इसके पहले एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि आपकी दीपावली की छुट्टी है, इसलिए मैं इस पोयम को अभी नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके बाद हम लेसन देखें। दिस इज द थर्ड पोयम ऑफ द सिलेबस, दैट इज वॉइस ऑफ द रेन। यह है आपके पाठ्यक्रम की तीसरी पोयम है, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसका मतलब होता है कि वर्षा की आवाज या बोली। एक बहुत सुंदर काल्पनिक रूप में यहाँ पर इस कवि, जिसको कवि वॉल्ट व्हाइटमैन ने बहुत सुंदर तरीके से एक मानवीय चित्रण करते हुए समझाया है। तो दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट व्हाइटमैन। इसका मतलब है यह पोएम वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखी हुई है। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द वॉइस ऑफ रेन। इस पोएम का टाइटल है वर्षा की बोली या वर्षा का आवाज। तो देखें, इस पोयम को आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पहले मैं आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड समझा रहा हूँ, फिर इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पूरा डिस्क्राइब करके क्वेश्चन आंसर देंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज इम्पॉल्पेबल। इम्पॉल्पेबल That means जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है, अस्पर्श। सेकेंड इज लिव। लिव मीन्स वॉश करना, हमारे पास लिव कहलाता है। थर्ड इज एटोमाइजेस। देखिए, एटम यानी परमाणु, परमाणु बहुत छोटा होता है, उसी से ये वर्ड निकला है, दैट इज एटोमाइजेस, अर्थात बहुत छोटे छोटे कण। तो एटम्स के साइज के जो कण होते हैं उनको एटोमाइजेस बोलते हैं, दैट इज छोटे कण। नेक्स्ट इज लेटेंट। लेटेंट यानी छुपा हुआ, ठीक। जैसे हमारे साइंस में एक लेटेंट हीट आती है, जिसको हम बोलते हैं छुपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट का मतलब होता है जब कोई चीज छुप जाती है उसको हम लेटेंट बोलते हैं, ठीक। ये पोयम बहुत सुंदर तरीके से वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखी हुई है, और उसने वर्षा ऋतु के साथ अपने संबंधों को बताया हुआ है। इस पोयम में वर्षा ऋतु अपने आप को एक स्त्री मान के बहुत सारी चीजों तक बताती है, और इसी गुणों को बताने के लिए वॉल्ट व्हाइटमैन ने इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। देखिए, मेरे पास ये वाली पोएम जो डिस्क्राइब कर रही है वो ये है, दिस पोएम प्रेजेंट अ डायलॉग बिटवीन पोएट एंड। एक पोएम का मीनिंग मालूम है, प्रेजेंट एंड उपस्थित होता है, समझाना होता है। यहाँ पर डायलॉग का मतलब होता है संवाद, इसका मतलब हो जाता है। तो देखिए, दिस पोयम प्रेजेंट अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन इटसेल्फ। यह पोयम या यह कविता कवि एवं वर्षा के मध्य संवाद को दर्शाती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो पोएट एक वर्षा और इसके बीच में संबंध हो रहा है, उस एक्सप्लेन को यहां पर समझा रही है। द पोएम प्रेजेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। साइक्लिक यानी चक्री, जैसे हर साल गर्मी पड़ती है, फिर वर्षा आती है, फिर ठंड पड़ती है, फिर गर्मी आती है, फिर ठंड पड़ती है, फिर वर्षा, यानी ये इस प्रकार का जो ऋतुओं का क्रम चलता रहता है, इसको हम चक्री बोलते हैं।
मूवमेंट यानी गतिशीलता, गतिशीलता। देखिए, द पोयम प्रेजेंट द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन, यानी यह है पोयम वर्षा के साइक्लिक क्रम को दर्शाती है। तो हमने ये लिखा है कविता वर्षा की साइक्लिक गति को या चक्रीय गति को दर्शाती है। द रेन इज परसोनिफाइड टू डिस्क्राइब्ड हर्स। परसोनिफाइड का मीनिंग क्या होता है? मानवीकृत, मानवीकरण, कृत या करण। जब कोई निर्जीव चीज अपने आप को मानव के जैसे हो तो बता के बताती है तो उसको मानवीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यह है हमारे पास क्या हो रहा है। द रेन इज परसोनिफाइड टू डिस्क्राइब हरसेल्फ। वर्षा अपने आप को मानवीकरण करके दर्शाती है, यानी मैं ऐसी हूँ, मेरे फायदे ये होता है, मैं जब आती हूँ तो वो वर्षा अपने आप को बता रही है जैसे कि वो एक कोई जीवित चीज है या मानवीकरण की चीज है, वो इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है या बता रही है। शी डिस्क्राइब वॉट शी इज एंड वॉट ब्लेसिंग्स ऑफ द शावर ऑन द अर्थ एंड द मैन। आपके पास ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, है ना? आशीर्वाद, इसी को हम क्या बोलते हैं? शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। देखिए, शी डिस्क्राइब वॉट शी इज, वो यह बताती है कि वो क्या है, एंड वॉट ब्लेसिंग द शावर ऑफ द अर्थ एंड शावर्स ऑन द अर्थ एंड मैन। शावर्स यानी वर्षा की बौछार है, वर्षा की बौछार तो हम क्या बोलते हैं? शावर बोलते हैं। तो वह बताती है कि वह क्या है, और वर्षा की बूंदों का पृथ्वी और मानव मनुष्य पर क्या आशीर्वाद या शुभकामनाएं हैं, ये इस पोयम में बताने का प्रयास किया हुआ है। तो बहुत सुंदर हो तो पोयम है। आप पहले इसको कठिन वर्ड पढ़ लीजिएगा, इसका मीनिंग मैंने लिखा दिया है, समरी लिखा दिया है। अब आप सब लोग घर में एक बार इस यूनिट इस पोयम को एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको और डिस्क्राइब करके आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँगा।